नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। रिजर्व बैंक में ऑफिस अटेंडेंट के कई पदों पर निकली बहाली, जल्द करें आवेदन। रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे NSUI के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार के इन 11 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, मौसम विभाग ने की लोगों से ये अपील। पानी भरते ही धड़ाम से गिरी नल जल योजना की टंकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भागलपुर जंक्शन पर महिलाओं ने संभाली परिचालन से लेकर सुरक्षा तक की कमान। मुखिया चुनाव से पहले बड़ा फैसला, पुलिस वालों को दिया गया स्पेशल टास्क, जानिए पूरा मामला। महिला दिवस पर विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की उठी मांग, तर्क पंचायती राज। पटना में बाइक स्कूटी पर ट्रिपल लोडिंग तो खैर नहीं, चालान तो बाद में, पहले पुलिस करेगी ये काम। भ्रष्टाचार रोकने के लिए मंत्री रामसूरत राय का बड़ा फैसला, यह काम अब तक किसी मंत्री ने नहीं किया। बिहार में 100 में से 80 पुलिस वालों की जाएगी नौकरी, जानिए क्या है पूरा मामला। अब खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। RBI ने ऑफिस असिस्टेंट के 841 पदों पर भर्तियां निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2021 है। इसके लिए हाई स्कूल पास युवा आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन 9 और 10 अप्रैल 2021 को होगी। इस पोस्ट पर अप्लाई करने को इच्छुक कैंडिडेट RBI के वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च 2021 है। इस पद के लिए उम्र सीमा 18 से 25 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां सोमवार को दोपहर में रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे NSUI के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। JP गोलंबर पर पुलिस ने NSUI के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर मार्च को रोक दिया। बता दें कि पटना के गांधी मैदान में NSUI के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले थे। NSUI ने इस प्रदर्शन के लिए रोजगार दो डिग्री लो का नारा दिया था, लेकिन NSUI के कार्यकर्ता जैसे ही गांधी मैदान से आगे बढ़ते हुए होटल मॉर्ज स्थित JP गोलंबर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जब कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और मार्च को रोक लिया। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बाद अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मौसम में बड़े बदलाव का संभावना जताई है। मौसम में होने वाले बड़े बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में वज्रपात के साथ ही बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के बीच लोगों को घरों से बाहर निकलने से पहले सावधानी बरतने की अपील की है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नल जल योजना को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गोपालगंज जिले में निर्माण के समय पानी भरते ही टावर पर रखी पानी की दो टंकियां जमीन पर गिरकर धराशायी हो गई। यह पूरा मामला गोपालगंज जिले के बरौली के देवापुर वार्ड नंबर 6 का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि करीब 13 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी का निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन निर्माण के समय जब उसमें पानी भरा गया तो टावर पर रखी दो टंकियां धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और धराशायी हो गई। इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भागलपुर जंक्शन की महिला रेलकर्मियों ने ट्रेन परिचालन से लेकर सुरक्षा और टिकट बुकिंग के काम बखूबी संभालते नजर आई। पूरे स्टेशन को महिला कर्मचारी ही नियंत्रित करती दिख रही थी। ट्रेन चलाने से लेकर सिग्नल क्लियर करने की जिम्मेवारी हो या फिर काउंटर पर टिकट काटने की, सभी कामों को महिला कर्मचारियों ने बखूबी अंजाम दिया। विश्व महिला दिवस पर सुरक्षा की कमान भी महिलाओं के हाथ में ही सौंपा गया। स्टेशन मास्टर का कमान संभालने वाली सोनाली ट्रेनों के परिचालन को लेकर सजग दिखी, तो वहीं श्वेता भारती केबिन में सिग्नल क्लियर करती नजर आई। टिकट बुकिंग काउंटर पर तैनात महिला रेलकर्मी शालीनता से अपने कार्यों का निर्वहन किया। टिकट काउंटर पर कंचन कुमारी, पुनीता, रूबी, चंदा काम करती दिखी। वहीं ट्रैक मेंटेनेंस की जिम्मेवारी रूबी कुमारी, नैना कुमारी और गीता कुमारी निभा रही थी। सुरक्षा का कमान RPF ने जहां ASI कोमल स्मृति के हाथों में सौंपा था, तो वहीं GRP में ASI शकुंतला किस्कू थाने का संचालन करती दिखी।
बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। मुखिया चुनाव को देखते हुए सभी थानेदारों को स्पेशल टास्क सौंपा गया है। उन्हें कहा गया है कि मुखिया चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी थानाध्यक्षों को वैसे लोग पर शिकंजा कसने को कहा गया है जिनकी छवि खराब है, जो आपराधिक छवि और गुंडे मवाली हैं। मुखिया चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा ने शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर सभी थानेदारों को स्पेशल टास्क सौंपा है। उन्होंने गुंडों और मवालियों पर अभी से ही शिकंजा कसने के लिए कहा गया है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने अवैध हथियारों की बरामदगी और विभिन्न मामलों में फरार चल रहे अपराधियों की हर हाल में गिरफ्तार करने को कहा है। एसएसपी ने कहा कि हर हाल में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना होगा, इसके लिए निरोधात्मक कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन बिहार विधानसभा परिसर में महिला विधायकों ने सदन में आरक्षण को लेकर मोर्चा खोल दिया। ना सिर्फ राजद और कांग्रेस बल्कि भाजपा के महिला विधायकों ने भी आधी आबादी करे पुकार 50% हमारा अधिकार और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती कहकर ठगते हो, विधानसभा में आरक्षण देने से डरते हो जैसे नारे लगाए। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले महिला दिवस पर महिला अधिकारों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला विधायक एकजुट नजर आई। पोर्टिको से लेकर विधानसभा तक आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 50 वर्ष करने की मांग रखी। विधानसभा के बाहर सभी दलों की महिलाओं ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सभी दलों से इस पर सहमति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक उसी तरह से विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। आगामी महाशिवरात्रि के जुलूस, होली और पंचायत चुनाव को लेकर पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने क्राइम मीटिंग की। इस दौरान एसएसपी ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि अगर बाइक और स्कूटी पर ट्रिपल लोडिंग में कोई पकड़ा गया तो सीधे उसे थाने में ले जाएं और जांच करें। जांच में यदि कोई संदिग्ध और अपराधी प्राकृतिक का मिले तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें, साथ ही उसके बाइक को जब्त करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाशिवरात्रि जुलूस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जुलूस में किसी भी तरह का हुड़दंग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुलूस के दौरान आतिशबाजी और शस्त्रों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। एसएसपी ने कहा कि जिन जिन इलाकों से जुलूस निकलता है उसकी सूची तैयार की जाए। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी। यदि कहीं जुलूस आदि निकालने पर गतिरोध या विवाद हो तो समय रहते उसे सुलझाया जाए। एसएसपी ने कहा कि होली में हुड़दंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार भले ही ट्रिपल सी से समझौता नहीं करने का दावा करते हो, लेकिन इसके बावजूद शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर उनके मंत्री भी परेशान हैं। बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय अपने डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार को लेकर इतने परेशान हैं कि अब उन्होंने एक बड़ा और अनोखा फैसला किया है। रामसूरत राय ने जो पहल करने जा रहे हैं अब तक किसी भी सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया है। दरअसल डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के खात्मे और अच्छे पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए मंत्री रामसूरत राय ने फैसला किया है कि वह अपने वेतन से विभाग के अच्छे कर्मियों को पुरस्कृत करेंगे। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि हर साल एक महीने का अपना वेतन उन चुनिंदा कर्मियों को देंगे जिन्होंने विभाग के लिए बेहतर काम किया हो। मंत्री का मानना है कि इससे अच्छे कर्मचारियों में उत्साह भरेगा और वह भ्रष्टाचार भी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मंत्री जी का फॉर्मूला अनोखा है। अब तक शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री ने अपना वेतन विभाग के कर्मियों के बीच देने का फैसला किया हो। मंत्री रामसूरत राय ने अपने वेतन से 9 ऐसे लोगों को राशि देकर सम्मानित करेंगे जिन्होंने सरकार और डिपार्टमेंट के लिए बेहतरीन काम किया है। 9 लोगों को 11,000 प्रति व्यक्ति की दर से राशि दी जाएगी। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। राज्य की पुलिस के कंधों के ऊपर मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने की बड़ी जिम्मेदारी है। सीएम नीतीश लगातार लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में शराबबंदी कानून को जमीन पर सही तरीके से लागू करने और इस कानून को तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देते आ रहे हैं। बीते 15 फरवरी को मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की अहम बैठक में सीएम नीतीश ने यह निर्णय लिया है कि अगर कोई भी पुलिस वाला शराब पीते पकड़ा जाता है
तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल बर्खास्त कर दे, यानी कि उसकी नौकरी चली जाएगी। अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या सच में सरकार इतना कड़ा रुख अख्तियार करने जा रही है। दरअसल जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सांसद ने पुलिस डिपार्टमेंट को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पप्पू ने पुलिस वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में बैठे 80% पुलिसकर्मी रोज शराब का सेवन करते हैं। सरकार को अब नेताओं और पुलिस के जवानों को भी ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। आज हालात यह है कि बिहार के 80% थानों में बैठे पुलिसकर्मी हर दिन शराब के नशे में डूबे रहते हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पप्पू यादव के दावे में कितनी सच्चाई है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।